So, statement. Tells about the sequential arrangement of various amino acids involved in the type of amino acids involved in the polypeptide chain formation of a protein molecule so this is about the primary structure of the protein. Similarly, the secondary structure of protein, primary के बाद secondary structure of protein, the secondary structure of protein, it tells about the appearance of the polypeptide chain. अब आप polypeptide chain का एक बार structure देख लीजिए. जैसे कि मैंने बताया था, polypeptide chain में different amino acids की unit involved होती हैं. NH, CHR, C double bond O. अब देख सकते हैं यहाँ कि एक अमीनो एसिड की यूनिट और एक अमीनो एसिड के यूनिट्स. हो सकता है कि एक ही प्रकार की अमीनो एसिड्स रिपीट होकर के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड्स हो. यानी कि हम कह सकते हैं कि एक डिफरेंट अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है उसके बारे में हमें पता चलता है प्राइमरी स्ट्रक्चर से. और ये कौन कौन सी अमीनो एसिड्स के ग्रुप है इसके बारे में भी पता चलेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर से. यानी कि कौन सी अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व है. जैसे मान लीजिए एक अमीनो एसिड है यहाँ पर, इसमें R जो ग्रुप है ये इथाइल ग्रुप है, और R डैश मिथाइल ग्रुप है, और ये इथाइल मिथाइल इस प्रकार से रिपीट होते जा रही है. तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है उसके बारे में पता चल जाएगा हमको प्राइमरी स्ट्रक्चर से. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा है कि ये कि अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो किस प्रकार का होता होगा. और एक और बात बता रहा है कि हमें ये अमीनो एसिड कौन सी वाली अमीनो एसिड है, जो अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर के एक चेन बना रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है. तो वो कौन कौन सी अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व हैं जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रही है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है प्राइमरी स्ट्रक्चर से. जबकि हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में देखें. नाउ यू कैन ऑल्सो सी इन द पॉलीपेप्टाइड चेन देयर आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज वेल एज अमीनो ग्रुप. और हमने देखा था, हम जानते हैं कि
कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ऑब्वियसली एक पॉलीपेप्टाइड चेन में बहुत सारी अमीनो एसिड्स के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की भी संभावना होती होगी। पॉइंट इज दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इनसाइड अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस यू कैन एज्यूम बाय सीइंग द स्ट्रक्चर हियर। देर इज अ कार्बोनिल ग्रुप, द ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ द अमीनो ग्रुप दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड बिकॉज दे आर इन्वॉल्व दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ कोर्स। हेंस वी कैन से दैट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन द अपियरेंस द ओवरऑल अपियरेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन विल ऑल्सो बी चेंज्ड। और ये अपियरेंस जो होता है ये दो प्रकार का अपियरेंस होता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन का। किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में दो प्रकार के अपियरेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, कोई पॉलीपेप्टाइड चेन इस प्रकार से कॉइल्ड है, हेलिकली कॉइल्ड है, और यहाँ पर अमीनो एसिड्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक अमीनो एसिड का ग्रुप यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है और यहाँ पर अमीनो एसिड का एक ग्रुप आता है, अमीनो एसिड का एक ग्रुप आ रहा है। आप इमेजिन कर लीजिए, मैं थोड़ा इसको इस डायग्राम को थोड़ा इनलार्ज करके दिखाता हूँ। यू कैन इमेजिन, यू कैन सी द कॉइलिंग दिस वे, यू कैन हियर इज अ कार्बोनिल ग्रुप एंड हियर इज अमीनो ग्रुप। दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हियर, सो मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल। सी डबल बॉन्ड ओ, सो दिस वे देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विद इन द कॉइल, दिस वे दिस वे दिस वे। सो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, एन एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन, दिस काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इट विल रिजल्ट इन द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक स्प्रिंग जैसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना सकती है और इनके बीच में इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ, इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, वन लेयर आफ्टर द अदर। और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इस प्रकार से पॉसिबल हो सकता है, इट इज पॉसिबल दिस वे, हियर इज अ कार्बोनिल ग्रुप, हियर इज एनएच ग्रुप, हियर इज कार्बोनिल ग्रुप, हियर इज एनएच ग्रुप। NH ग्रुप, NH एंड कार्बोनिल, NH कार्बोनिल।
here NH, here carbonyl. So you can imagine this kind of hydrogen bond formation can lead to the change in the shape of a polypeptide chain, overall appearance of the polypeptide chain. Hence we are saying that the appearance of a polypeptide chain will be affected due to the hydrogen bond formation involved between carbonyl oxygen of the carbonyl group and hydrogen of the amino group in a chain of amino acid, in a polypeptide chain. So this kind of structure that I have drawn here is a alpha helical structure, alpha helix. This is an alpha helix structure, and this is beta pleated structure. Beta pleated structure. Beta pleated structure. So this overall appearance, this is the change in the shape of the polypeptide chain occurring due to the hydrogen bond formation. So we will write the statement that the secondary structure of a protein tells about the overall appearance of a polypeptide chain. Polypeptide chain. So resulting from hydrogen bonding. So this is about the secondary structure. Now definitely we will talk about tertiary structure. Tertiary structure. Tertiary structure. Now tertiary structure is related to with the overall appearance of the protein molecule. जैसे कि हमने देखा कि polypeptide chain का जो appearance है वो अलग अलग possible है, alpha type या beta type hydrogen bond formation की वजह से जो change है शेप में चेंज आ जाता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के शेप में चेंज आ रहा है, अल्फा टाइप या बीटा टाइप. ठीक इसी प्रकार से एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स के कम्बिनेशन से बनता है, तो उस प्रोटीन मॉलिक्यूल में अपीयरेंस किस प्रकार का हो सकता है उसके बारे में हमें पता चलता है टर्शियरी स्ट्रक्चर से. यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी फिर से दो कैटेगरी हो सकती है कि यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर भी दो प्रकार के पॉसिबल हो सकते हैं. एक तो फाइब्रस स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन इज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर. यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स इस एक स्फेरॉइडल शेप ले लेते हैं, स्फेरॉइडल शेप ले लेते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंबाइन होकर के, तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो अपीयरेंस है एक ग्लोब्यूल के फॉर्म में हो सकता है, ग्लोब्यूल के फॉर्म में बन जाता है, तो उसके हम वो ग्लोब्यूल के फॉर्म में बन जाता है. सो दैट विल बी कॉल्ड एज द ग्लोब्यूल के फॉर्म में बन सकता है. अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर undergoing the combination in such a way that it leads to the formation of a fiber-like structure of the molecule. Yani ki jo protein ka jo molecule hai wo fiber-like appearance dega. To
इस तरह का जो फाइबर लाइक अपीयरेंस होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल का, हम उसको बोलते हैं फाइबरस प्रोटीन। और यदि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के कम्बिनेशन से स्फेरॉइडल अपीयरेंस होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल का, तो हम इस प्रकार के प्रोटीन्स को ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। यानी कि हम टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं कि किस प्रकार से एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि बन जाता है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स के कम्बिनेशन से, तो उस बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन के कम्बिनेशन से एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को क्या क्या अपीयरेंस मिलने वाला है, तो वो हमको इस सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर से पता चलेगा। तो स्ट्रक्चर्स के दो प्रकार के, तो ओवरऑल अपीयरेंस जो है प्रोटीन का, जो प्रोटीन का जो अपीयरेंस है वो किस प्रकार का बनने वाला है, फाइबर लाइक अपीयरेंस बनने वाला है या फिर ग्लोबुलर अपीयरेंस बनने वाला है, यानी कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन के कम्बिनेशन से ग्लोबुलर प्रोटीन बनने वाला है या फिर फाइबर प्रोटीन यानी फाइबरस प्रोटीन बनने वाला है, इसे हम इस बारे में जानकारी हमको मिलती है टर्शियरी स्ट्रक्चर से। सो दैट ओनली वी विल राइट हियर, दिस टेल्स अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर, टेल्स अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल। समटाइम्स प्रोटीन्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द proteins in our body. Sometimes proteins are present in our body and are not needed. Such type of proteins are called as non-essential proteins. And there are certain proteins which are needed for our body. They are called as essential proteins. So proteins are divided into two types, essential proteins and non-essential proteins. Now, further, there is one more class of biomolecules, enzymes. Enzymes are chemically same as that of proteins. There is no difference between enzymes and proteins. Enzymes actually are proteins. Enzymes are those proteins which are involved in a biochemical reaction. Biochemical reaction, वो reaction जो किसी living organism में होती है, उन chemical reaction में, biochemical reactions में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एंजाइम्स। आपने आप कैटालिसिस का नाम सुना होगा, कैटलिस्ट, किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट होते हैं, जो वो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन को इन्हांस करते हैं, लेट अस से इंक्रीज करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को, तो जो कैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं, आपने सुना होगा, यू माइट हर्ड अबाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर द दोज सब्सटेंसेस विच आर इन्वॉल्व, विच are not directly involved. You might have heard about catalyst, those substances which are not directly involved in a chemical reaction but indirectly they affect or enhance a chemical reaction. Kisi chemical reaction mein directly present nahi hote, directly involved nahi hote,
लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं या तो केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। दोस प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन अ लिविंग बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन, सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। तो एक हम पंच लाइन कह सकते हैं, एक सिंपल कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ये बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। केमिकली दे आर सिमिलर, दे आर आई मीन नॉट सिमिलर इज नॉट द राइट वर्ड, केमिकली दे आर सेम एंड देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। केमिकली बोथ आर सेम बट ऑल द प्रोटीन्स कैन बी एज्यूम कैन बी कंसिडर्ड एज द एंजाइम्स, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सो दिस वे वी कंक्लूड दिस प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स एंड हेंस ऑल्सो कंक्लूड द चैप्टर। जितना भी मैंने मटेरियल बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए लेक्चर में दिया है वो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है।